जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर आए फरियादियों को किया आश्वस्त। कहा, धन के अभाव में नहीं रुकेगा किसी का इलाज। 500 फरियादियों से मिले सीएम योगी, सभी को समस्या के निस्तारण का दिया भरोसा। उन्नवल में बाईपास और नगर पंचायत भवन का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया लोकार्पण। कहा, विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रही है डबल इंजन की सरकार। दिवाली पर्व के मद्देनजर मिठाइयों में मिलावट को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम द्वारा खोआ मंडी में की गई छापेमारी। जांच के लिए लिया गया 27 नमूना। अभी तक 3 दुकानों पर की गई कार्रवाई। सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने कहा, छापेमारी आगे भी रहेगी जारी। नगर निकाय चुनाव को लेकर एडीएम फाइनेंस व उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद के सभी एसडीएम के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक। कहा, बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के कार्य में नहीं ले रहे हैं रुचि। 20 अक्टूबर तक सभी बीएलओ परिवर्धन संशोधन एवं अपमार्जन फार्म को एसडीएम के कार्यालय में करा दे जमा, नहीं तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बीएलओ के ऊपर दर्ज किया जाएगा मुकदमा। गैंगस्टर के मुकदमे में वांछित अभियुक्त अभिषेक सिंह को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक अवैध देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि आज अखबार के व्यवस्थापक एवं संपादक अखिलेश चंद्र ने कहा, जनमत निर्माण में मीडिया की भूमिका होती जा रही है चुनौतीपूर्ण। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पत्रकारिता करना नहीं है आसान। दो शातिर वाहन चोरों अंगद गोस्वामी और संजय जायसवाल को उरुआ बाजार थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। महर्षि वाग्भट स्वस्थ जीवन शैली एवं आरोग्य विषय पर गुरु श्री गोरक्षनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में व्याख्यान का हुआ आयोजन। केजीएमयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर एमएलबी भट्ट ने कहा, जीवन शैली से संबंधित बीमारियां 21वीं सदी में है चुनौती। स्वास्थ्य रक्षण के लिए महर्षि वाग्भट के बताए उपायों को अपनाने की है आवश्यकता। फेस्टिव सीजन दिवाली और धनतेरस से पहले ही बाजार सजकर हो गए हैं तैयार। बर्तन व्यापारियों और ज्वेलर्स ने रखे हैं नई किस्म के आइटम। बर्तन और सर्राफा व्यापारियों ने कहा, डिस्काउंट और लकी ड्रॉ कूपन से कस्टमरों को मिलेगा स्पेशल ऑफर। जनपद में तेजी से कम हो रहा है राप्ती व घाघरा नदी का पानी। बाढ़ प्रभावित गांव में दिवाली तक पानी कम होने की व्यक्त की जा रही है संभावना। एडीएम फाइनेंस एवं जिला आपदा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी।